ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। ये कहा गया है, ए योगी कैन चेंज द एटमोस्फेयर ऑफ ए प्लेस, ए योगी कैन चार्ज द एटमोस्फेयर, कैन क्रिएट द एटमोस्फेयर। हम सभी योगी हैं, हमें अपने चारों ओर के वातावरण को अपने अनुकूल चार्ज कर देना है। हम चाहें तो शांति चारों ओर फैला दें, हम चाहें तो पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाकर सभी के मन में पवित्र बनने की भावनाएं जागृत कर दें, और यदि हम प्रयास करें तो अपने चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशंस बनाकर अनेक आत्माओं को दुखों से मुक्त कर दें, तनाव से मुक्त कर दें, उन्हें जीवन जीने के लिए शक्तियां प्रदान कर दें, उन्हें निर्भय बना दें। तो ये बाबा ने बहुत बड़ी सेवा हम सबके कंधों पर रखी है कि तुम चारों ओर के वायुमंडल को श्रेष्ठ करो, पवित्र करो। जब वायुमंडल पवित्र होता है तो देवकुल की अनेक आत्माएं अपने मूल स्वरूप, पवित्र स्वरूप को पहचान कर उसकी ओर आकर्षित होंगी, और अन्य धर्मों की आत्माओं को भी, क्योंकि अंत में पवित्र तो बनना ही है घर जाने से पहले, तो उनमें भी पवित्र बनने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हम सभी को अपनी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन के द्वारा, आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा इस संसार में पवित्रता की लहर फैला देनी है, और वो समय आएगा जब संसार का हर मनुष्य पवित्र बनने की सच्चे दिल से चाह करेगा, जब उसे पता लग जाएगा कि सचमुच इन विकारों में कष्ट ही कष्ट है, इन विकारों ने ही हमें पतन की राह पर ढकेला है, इन विकारों ने ही हमारे अंदर दुखों के पहाड़ गिरा दिए हैं, ये विकार हमारे शत्रु हैं। इसके लिए आवश्यक है चारों ओर के वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना। आप यदि किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, किसी बिजनेस सेंटर में हैं, किसी संगठन में हैं, आप ये बिल्कुल शिकायत न करें कि चारों ओर लोग ऐसे हैं, वातावरण बड़ा गंदा है, चारों ओर निगेटिविटी है। ये सब तो है, कलयुग में ये सब नहीं होगा तो क्या सत्वप्रधानता होगी, यही सब होगा। लेकिन हम लाइट हाउस हैं, लाइट हाउस ये नहीं कह सकता कि मेरे चारों ओर अंधेरा है, बिजली के बड़े बड़े बल्ब ये नहीं शिकायत कर सकते कि हमारे चारों ओर तो गहन अंधकार है, उन्हें तो बस स्विच ऑन होने की इंतजार होती है। हम भी अपने अंदर स्मृति का स्विच ऑन करें, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। आप ऑफिस में हैं, 5 बार ऑफिस आवर्स में इसका अभ्यास कर लिया करें, मुझसे चारों ओर पूरे ऑफिस में पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं, जिस तरफ मेरी नजर जाती है प्योर वाइब्रेशन से वायुमंडल चार्ज होता जा रहा है, बहुत अच्छा अनुभव होगा। कुछ ही दिन करने के बाद आपको इसका प्रत्यक्ष रिजल्ट मिलने लगेगा। आप देखते हैं कि दुख ही दुख है आपके चारों ओर, तो मैं पीस हाउस हूँ, शांति के सागर से शांति की किरणें लेकर चारों ओर फैलाने लगे। यदि आपके घर में अशांति का माहौल है, प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो शांति के वाइब्रेशंस 21 दिन फैला कर देखें, और अनुभव होगा कि इससे हमारे घर में शांति और प्रेम का माहौल हो गया। हमारी वृत्ति वायुमंडल का निर्माण करती है, और विशेष वृत्ति है आत्मिक वृत्ति। सब आत्माएं हैं, सब देवकुल की आत्माएं हैं, सब मूल रूप से पवित्र आत्माएं हैं। ये दृष्टि, ये वृत्ति हम पैदा करें तो चारों ओर का वायुमंडल बदलता जाएगा। तो आज विशेष रूप से हमें अपने चारों ओर पवित्रता का वायुमंडल बना देना है। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या पवित्रता का सूर्य हूँ। परमधाम में हैं बाबा पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कुछ देर इसको गुड फीलिंग में लाएंगे, परमात्म पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं,
और फिर मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। आप करके देखें, आज हर घंटे में एक बार भी बहुत अच्छी तरह कर लें तो आपके चारों ओर का वायुमंडल पवित्र वाइब्रेशन से आपको चार्ज होता हुआ नजर आएगा। सब आपको पवित्र आत्माएं फील होंगी और इसका प्रभाव आप सभी के ऊपर बहुत सहज देख सकेंगे। ओम शांति।